दोस्तों फिर से वही खबर आ रही है आज भी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों एक लड़का जो क्लास 9 में पढ़ता था वो दोस्तों BGMI खेलते खेलते इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि वो कूद गया, मतलब कर लिया। दोस्तों आपकी क्या राय है, बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या आज आप भी अभी खेल रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में बहुत ही जबरदस्त वीडियो डाल दिया है। अगर आपके पास Xiaomi Poco या Redmi का फ़ोन है और अपना पार्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं जैसे बैटरी वगैरह, तो दोस्तों कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना और दोस्तों पार्ट्स का क्या प्राइस है, डिटेल वीडियो किया हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। बात करते हैं कल के पोल की। हमने आपसे पूछा था क्या आप अभी कोई नया फ़ोन लेने का सोच रहे या खरीदने का सोच रहे, तो दोस्तों 41% लोगों ने कहा कि हाँ सोच रहे, 59% लोगों ने कहा कि नहीं सोच रहे। आप दोस्तों सोच रहे या नहीं सोच रहे, कमेंट में अपनी राय जरूर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों गूगल मैप की। आज से दोस्तों रोल आउट होना शुरू हो गया iOS और दोस्तों एंड्रॉइड में गूगल मैप की तरफ से कि कहीं भी आप अगर जाएंगे और टोल वगैरह आने वाला है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका कितना कटने वाला है। चीटिंग करता है तू। रदीफ और काफिया साथ में मिल गया, आने वाला है और कटने वाला है। आप दोस्तों कभी कटाए हैं अपना टोल वगैरह, या आपके पास व्हीकल है 4 चक्का या 2 चक्का या फिर दोस्तों 3 चक्का, जब भी जीती है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आईफोन की। आईफोन के दोस्तों 12 सीरीज, 13 सीरीज और दोस्तों आने वाले कुछ सीरीज मतलब SE वगैरह जो है उसमें दोस्तों प्राइस डिस्काउंट हुआ है 10,000 रुपये का। तो जाइए अमेजोन वगैरह में चेक करिए। वैसे दोस्तों लिस्ट ये है, आपको दोस्तों कोई फ़ोन लेना है एप्पल की तरफ से कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो दोस्तों LG अर्पित, इनका सवाल है कि Redmi Note 10 Pro के लिए बेस्ट कस्टम रोम कौन सा होगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि एकदम फास्ट और वन ऑफ द फास्ट आपको चलाना है तो स्टॉक एंड्रॉयड 12 आप कर लीजिए। इसमें ये जो रोम है काफ़ी ज़बरदस्त है, इससे फास्ट देखने को नहीं मिलेगा और सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा ऑरेंज फॉक्स, लहसुन अदरक मत करिए, ये वाला कर लीजिए, आपको दोस्तों बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। वीवो की तरफ से वीवो का V25, ये जो फ़ोन है दोस्तों Dimensity 8100 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। ये दोस्तों इसकी लिस्टिंग वगैरह हो चुकी है। वहीं दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि वीवो की तरफ से दोस्तों एक अननोन फ़ोन या एक सीरीज में एक दोस्तों फ़ोन आने वाला है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 5G चिपसेट तो होगा लेकिन इसका जो कैमरा कटआउट जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है। टीना में ये लिस्ट हो गया दोस्तों और ये भी बताया जा रहा है कि 50+2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी। तो सेंसर इतना बड़ा देने का मतलब बनता है या नहीं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप वीवो का ये जो फ़ोन है इसका नया डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो। ये जो है दोस्तों EMI डेटा बेस में लिस्ट हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है रीब्रांड है दोस्तों OnePlus Note N20 का। इस तरह ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है, आप OnePlus और Oppo रीब्रांड करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेगा, गजब बेइज्जती है, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Realme की। Realme की तरफ से दोस्तों कुछ खबर है लेकिन पहला जो है दोस्तों Realme का एक अननोन फ़ोन जो दोस्तों RMX 3613, ये जो है दोस्तों लिस्ट हो चुका है। 5G फ़ोन होने वाला है लेकिन किस नाम से आएगा पता नहीं, बस मॉडल नंबर पता चला है। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए। वही दोस्तों बात करते हैं Realme का V20, ये जो फ़ोन है दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका है। 11,200 रुपये दोस्तों कन्वर्ट करके बताए थे। इसमें दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि Dimensity 700 वाला प्रोसेसर है, 8+2 का रियर कैमरा, 5 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और IPS LCD डिस्प्ले लेकिन 60Hz के साथ। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये 5G फ़ोन है। आपको क्या लगता है, ये सबसे सस्ता 5G फ़ोन है अगर तो इंडिया में ये आएगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों, मास्टर एक्सप्लोरर के बाद प्लस होगा, फिर उसके बाद प्लस स्क्वायर होगा, फिर प्लस रूट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ से डब्बा के स्टार्टिंग से नाम लिखना शुरू होगा और पूरा घूम के दोस्तों 2 चक्कर खाएगा और फिर नाम लिखाएगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कंफ्यूजन। GT3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 2 पे ही लटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन ये मैं इतना फालतू बकवास क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फ़ोन है दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है जनरेशन 1 के साथ। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप दोस्तों इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड है या नहीं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ROG फोन 6 की। ये जो है दोस्तों इसमें दो फोन होने वाला है इस बार, ROG फोन 6 और 6 प्रो। इसमें दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि 8 जनरेशन 1 के साथ दोस्तों ये आएगा और 8 प्लस के साथ आएगा। ये भी बताया जा रहा है कि ये 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन 5 जुलाई को दोस्तों इसका लॉन्च इवेंट है। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। इस बार इसकी प्राइस 60,000 से ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Xiaomi की। दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि गंगाधरी शक्तिमान है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरे लग रहे, तौबा। जाहिर है दोस्तों उस जमाने में आप चल जाएंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि Xiaomi का 12 Lite, ये जो फोन है दोस्तों ये रीब्रांड होके आ रहा है Poco F4 5G इंडिया में। दोस्तों इस तरह की कुछ अपडेट है जिसमें स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है, हाई रिफ्रेश रेट वगैरह दोस्तों, डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले, और यहां पर दोस्तों जो कैमरा है 64.2 मेगापिक्सल का, और यहां पर दोस्तों 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 60W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? कल तो दोस्तों हमने यूरोप का प्राइस बता दिया कि 35,000, लेकिन इंडिया में दोस्तों ये आ रहा है 27,999 रुपीज़। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi के एक अलग कैंपेन की। इस पे दोस्तों हमने डिटेल वीडियो कर दिया मॉर्निंग में, लेकिन Xiaomi का ऐसा कहना है कि अगर बैटरी वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो 499 रुपये में बैटरी चार्ज चेंज हो जाएगा दोस्तों आपके फोन का। इस तरह की कुछ उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों कैसे करना है डिटेल दिए हुए हैं, या फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आइए वहां पर दोस्तों लिंक देते हैं, उसको ओपन करिए और आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हो सकता है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Xiaomi 12S की। ये जो है दोस्तों Geekbench पर लिस्ट हो गया है और ये 8 जनरेशन 1 के साथ आने वाला है। 50.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 के सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी। आपको क्या लगता है ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में आई के नाम से, लाइट के नाम से या NE5G के नाम से आ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप सैमसंग की। सैमसंग का दोस्तों वॉच 5, ये जो है दोस्तों इस बार आने वाला है, लेकिन इसकी लिस्टिंग हो गई है 3C सर्टिफिकेशन में, और इसमें दोस्तों इस बार 10W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा घड़ी में दोस्तों फास्ट चार्जिंग। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं सैमसंग का Z Flip 4, ये जो फ़ोन है दोस्तों इस बार बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है, मतलब दोस्तों जिसका बैटरी बैकअप होगा काफ़ी ज़बरदस्त होगा। आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर दीजिए। किडनी दोस्तों रेडी रखे हैं क्योंकि लास्ट से ऊपर जाएगा इस बार, जो भी है जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं सैमसंग का दोस्तों Fit 3, वही स्मार्ट बैंड जो बोलते हैं दोस्तों, ये लॉन्च होने वाला है 2023 में। इस तरह की कुछ अपडेट जताई जा रही है। आपको जो भी लगता है, आप दोस्तों किसी का भी कोई भी कंपनी का स्मार्ट बैंड यूज करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल है दोस्तों तो कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।